सो गाइस, आज हम जो चीज़ बनाने वाले हैं वो है एक बहुत ही बड़ा सा जाइंट बबल। तो इस जाइंट बबल को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी वो कुछ इस प्रकार है। सो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पानी और ये विम डिश वॉश, और हमें चाहिए ग्लिसरीन और एक कॉर्न सिरप। और कॉर्न सिरप अगर ना हो तो उसके जगह पर हम कोई भी रसगुल्ले का रस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें उस मिक्सचर को बनाने के लिए इस बाल्टी की आवश्यकता है, और उस सारे मिक्सचर को एक साथ मेजर इक्वल अमाउंट में मेजर कर डालने के लिए उसके लिए हम ये चम्मच का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस ग्लिसरीन को एक चम्मच इसमें डालेंगे, उसके बाद इस विम डिश वॉश को और अब हम लास्ट में इसमें एक चम्मच तो गाइस लास्ट इंग्रेडिएंट्स मैंने बताना भूल ही गया था, जो कि कॉर्न सिरप था। और कॉर्न सिरप ना होने के बावजूद हम इसमें रसगुल्ले का रस ऐड कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास ये है रसगुल्ले का रस एक चम्मच, और एक चम्मच हमने पानी ऐड किया था, एक चम्मच हमने डिश वॉश ऐड किया था, एक चम्मच हमने इसमें ग्लिसरीन ऐड किया था। ठीक उसी तरह से एक चम्मच में रसगुल्ले का रस ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें अच्छी तरह से इस सारे सॉल्यूशन को अच्छे से मिला देंगे इसमें। कुछ इस तरह से इसमें मिला देंगे और हमारा सॉल्यूशन, हमारा रेसिपी बनकर रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप। सो गाइस, ये रहा हमारा मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है, हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इस बड़े से जाइंट बबल को बनाने के लिए हमने ये जुगाड़, देसी जुगाड़ किया है। ये दो डंडी है, दो डंडी में हमने इस तरह से रस्सी को बांध लिया है, और रस्सी का वेट नीचे लाने के लिए इसमें हमने नट को इसमें डाल दिया है, ताकि ये इस तरह से नीचे रहे। और हम इस सॉल्यूशन में इस रस्सी को डुबाएंगे और फिर इससे बबल को निकालेंगे। सो चलिए कर देखते हैं ये कैसा होता है ये वीडियो। सो गाइस, ये देख सकते हैं हमारा, ये है हमारा जाइंट बबल। हमारे पास कितना बड़ा जाइंट बबल बनकर तैयार हो चुका है। सो एक बार और करते हैं ट्राई से। ये रहा हमारा जाइंट बबल, ये बहुत जल्दी ही फूट जाता है मगर काफ़ी बड़ा बनता है ये। तो गाइस, देखा आपने किस तरह का ये मज़ेदार इंटरटेनिंग वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।